हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के ही और दो तीन नए प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, व्हाइल ट्रू एस इज इक्वल टू इनपुट एंटर समथिंग, इफ एस इज इक्वल टू क्विट ब्रेक, प्रिंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लेंथ एस, प्रिंट डन। तो स्टूडेंट्स हमने पहले भी पढ़ा है, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब भी यहाँ पर हम व्हाइल ट्रू लिखते हैं इसका मतलब होता है इसे आप लूप को लगातार चलाते रहें यहाँ तक जब तक अंदर सब कुछ सही होता। और स्टूडेंट्स जब भी कभी हम व्हाइल के साथ ट्रू लिखते हैं तो उस पूरे प्रोग्राम में लूप में कहीं ना कहीं ब्रेक जोर से लिखा होगा उस लूप से बाहर आने के लिए, वरना क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता व्हाइल में यहाँ पर हम हमेशा ऐसा कुछ लिखते हैं व्हाइल एक्स लेस देन 11 या ए लेस देन 11, तो उसकी वजह से बाहर आ जाता है। लेकिन जब भी हम व्हाइल के साथ ट्रू लिखते हैं तो उस लूप के अंदर कहीं ना कहीं पे ब्रेक जोर से होएगा तभी वो बाहर आ पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। एस इज इक्वल टू इनपुट एंटर समथिंग, हम पहले कोई भी नाम इनपुट करेंगे एस में वो स्टोर हो जाएगा। इफ एस इज इक्वल टू क्विट, जो भी नाम हमने एस में इनपुट किया है अगर हमने क्विट इनपुट किया तो ब्रेक से बाहर आ जाएगा, यानी कि इस लूप से बाहर आ जाएगा और वो यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट डन और डन पे डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर हमने जो भी नाम इनपुट एस में किया वो क्विट नहीं है तो फिर वो इस लाइन को रीड करेगा, प्रिंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लेंथ एस, मतलब जो भी नाम हमने एस में इनपुट किया था उसकी लेंथ उसमें कितने कैरेक्टर हैं हमें वो डिस्प्ले करेगा। ओके स्टूडेंट्स, और इस लूप को लगातार चलाता रहेगा जब तक हम एस के अंदर क्विट इनपुट नहीं करेंगे, वो लूप से बाहर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए हम इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा एंटर समथिंग, हमने यहाँ पे इनपुट किया कैरी, तो आप देखते हैं हम उसकी लेंथ डिस्प्ले कर रहा है 6। अब हमने इनपुट किया यहाँ पे राम, हमें लेंथ डिस्प्ले कर रहा है 3। अब हमने इनपुट किया है इंडिया, तो ये डिस्प्ले कर रहा है 5 उसकी लेंथ। अब उस से बाहर कब आएगा, जब यहाँ पर हम क्यूट एंटर करेंगे, जब हम क्यूट एंटर करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा और डिस्प्ले कर रहा है डन, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि इफ़ एस इज इक्वल टू क्विट, जैसे हम एस में क्विट इनपुट करेंगे वो इस लूप से बाहर आ जाएगा और वो इस लाइन को फिर डिस्प्ले करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेस लाइन पीछे है तो इसका मतलब है ये व्हाइल लूप के ख़त्म होने के बाद ही डिस्प्ले होगी। चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार इस प्रोग्राम को पढ़ लेते हैं। व्हाइल ट्रू एस इज इक्वल टू इनपुट एंटर समथिंग, If S is equal to quit break, if length S less than 3, print to small continue, print input is of sufficient length, print done. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ये वाली लेंथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, यहाँ तक तो सेम वही था। चलिए एक बार उसको पढ़ के समझ लेते हैं। पहले S is equal to input enter something, हमने कोई भी नाम S में स्टोर करा दिया। फिर if s इज इक्वल टू क्विट, अगर हमने s के अंदर जो भी इनपुट किया अगर क्विट है तो ब्रेक से बाहर आ जाएगा। वैसे भी जब यहाँ पे व्हाइल ट्रू लिखा तो हमारे इस लूप में कहीं ना कहीं बाहर आने के लिए ब्रेक जोड़ होगा। अब if length s less than 3, यानी कि पहले वो s वेरिएबल की लेंथ निकालेगा, अगर वो 3 से कम है तो वो हमें ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा टू स्मॉल, और इस कंटिन्यू की वजह से वो फिर से यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू हमेशा उस लूप को फिर से चलाता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर वो मान लो लेंथ हमारी 3 से कम नहीं है तो फिर वो इस लाइन पर पहुंच जाएगा, प्रिंट इनपुट इज ऑफ सफिशिएंट लेंथ, उसको डिस्प्ले कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा, पहले हमसे नाम इनपुट कराएगा, अगर वो नाम हमने क्विट इनपुट किया तो बाहर आ जाएगा, अगर क्विट इनपुट नहीं किया है तो फिर वो यहाँ पर पहुँचेगा कि उसकी लेंथ निकालेगा, अगर लेंथ 3 से कम है तो इसको डिस्प्ले कर देगा टू स्मॉल, लेंथ 3 से कम है, और 3 से कम नहीं है तो फिर वो इस लाइन को डिस्प्ले करेगा और इसको कंटिन्यू चलाता रहेगा जब तक हम बाहर आने के लिए क्विट एंटर नहीं करेंगे। चलिए इसको रन कराते हैं। आप देखिए एंटर समथिंग, हमने एंटर किया यहाँ पे कैरियर, तो ये हमें उसकी मैसेज डिस्प्ले कर रहा है इनपुट इज ऑफ सफिशियंट लेंथ। अब हमने यहाँ पे ए भी एंटर किया तो उसने लेंथ निकाला और डिस्प्ले कर दिया टू स्मॉल, क्योंकि वो 3 से कम है जो भी नाम हमने इनपुट किया था। हमने एंटर किया सी डी, अब जो भी हम नाम एंटर कर रहे हैं उसकी लेंथ 3 से कम है तो ये बार बार डिस्प्ले कर रहा है टू स्मॉल। एक बार और करते हैं एक्स वाई, तो भी डिस्प्ले कर रहा है। अब हमने एंटर किया राम, तो फिर वो अब हमें डिस्प्ले कर रहा है इनपुट इज ऑफ सफिशियंट लेंथ।
और लेकिन अब बाहर आने के लिए हमें यहाँ पे क्विट एंटर करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब इस प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं और एक प्रोग्राम और ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं और फिर इसको हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है एंटर अ स्ट्रिंग, मतलब हमने यहाँ पे एक नाम एंटर कर दिया हेलो, कुछ भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है एंटर अ कैरेक्टर यू वांट टू चेंज इन द एंटर स्ट्रिंग, मतलब जो नाम आपने एंटर किया है उसमें आप किस कैरेक्टर को चेंज कराना चाहते हैं। मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे कर दिया एल। फिर एंटर द सिंबल यू वांट टू रिप्लेस विद, मतलब आप उस कैरेक्टर की जगह कौन सा सिंबल चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने कर दिया डॉल। अब इसको हम एंटर करेंगे तो ये कह रहा है मॉडिफाई स्ट्रिंग इज ये, तो इसमें जहाँ पर एल एल था तो हमने बताया एल की जगह हमें डॉलर चाहिए, तो उसने यहाँ पर डॉलर कर दिया। चलिए स्टूडेंट्स अब एक बार इस प्रोग्राम को पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। एस टी आर वन इजिकल टू इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग, हमने पहले कोई भी नाम एस टी आर वन में स्टोर कर दिया। फिर एस टी इजिकल टू इनपुट एंटर अ करेक्टर यू वॉन्ट टू चेंज इन द एंटर स्ट्रिंग, मतलब हमें कौन सा कैरेक्टर चेंज कराना है वो हमने एस टी वेरिएबल में स्टोर करा दिया। सिंबल इजिकल टू इनपुट एंटर द सिंबल यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट, आपको कौन सा सिंबल उस कैरेक्टर की जगह चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम इस लाइन को पढ़ते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये हो रहा था। तो एस टी आर टू इजिकल टू एस टी आर वन डॉट रिप्लेस एस टी कॉमा सिंबल, एस टी में फार एस टी आर वन में तो हमने वो नाम इनपुट किया था सपोज जैसे हेलो, फिर एस टी में हमने वो कैरेक्टर इनपुट किया है एल या ई जो मुझे रिप्लेस कराना है, और सिंबल वेरिएबल में हमने वो सिंबल एंटर किया था जो कि मुझे उसकी जगह चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और फिर वो चेंज होके हमारा नई एक स्ट्रिंग वेरिएबल तैयार हो जाएगा एस टी आर टू, एक नया वेरिएबल उसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। ओके स्टूडेंट्स एस टी आर वन में तो वही रहेगा जो हमने हेलो इनपुट किया था, एक नया एस टी आर टू वेरिएबल्स है जिसके अंदर वो नाम नया आ जाएगा रिप्लेस हो। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो हमने वेरिएबल लिए हैं एस टी आर वन एस टी और सिंबल, इनकी जगह आप स्टूडेंट्स ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको रन करा के एक बार फिर से चेक करते हैं। यहाँ पर हमने इनपुट किया हेलो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर किया ई और ई की जगह हमने यहाँ पर कर दिया एट द रेट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे ई की जगह यहाँ पर एट द रेट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक बार इसको और रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको रन कराया, हमने यहाँ पर लिखा कैरे। अब मैं चाहता हूँ जहाँ पर ई है वहाँ पर आपका ये आ जाए डॉलर का सिंबल, इसको रन कराएं तो आप देखते हैं इस तरीके से डिस्प्ले करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों तीनों प्रोग्राम को कॉपी में नोट करें और ज़्यादातर प्रैक्टिस करें तो ये आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।